कहते हैं लोकतंत्र में बहुत पावर होती है, और इस बार के चाहे जनता हो, चाहे हमारे स्टूडेंट हो, चाहे मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों का जो मन था, वो सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो रोजगार पर था, और ये देखा गया चुनाव के रिजल्ट में भी, राइट। तो गाइस, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, राइट, प्राइमरी हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे माध्यमिक हो, किसी भी लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। जो लंबित एग्जाम्स पड़े हैं, जो 2022 में यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स हैं, वो होने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आज सुबह से मुझे कई मेल्स मिल चुके हैं, कई मैसेजेस आ चुके हैं कि सर कब होगी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले भी कि जून माह में रफ्तार पकड़ेगी शिक्षक भर्ती, जुलाई में परीक्षा की तैयारी। तो जुलाई में जो परीक्षा की तैयारी है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का मैं नहीं कह सकता हूं, उसका भी थोड़ा डाउटफुल है कि जुलाई में हो जाए, लेकिन 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 राइट, लेकिन गवर्नमेंट पूरी तरह से इस समय एक्टिव है, पूरी तरह से एक्टिव है, जो भी हमारे पुराने एग्जाम्स हैं उसे कराने में। तो आप ये मान लीजिए कि आयोग में पूरी तरह से काम स्टार्ट हो गया है, सीधे पहले उन्हीं परीक्षाओं पर बात की जा रही है जिनकी जिनके एग्जाम्स अभी नहीं हुए, और बहुत बड़ी बात है। आप सोच के देखिए, 2022 में मान लीजिए कोई 38 ईयर का था, अभी वो क्या हो रहा होगा, लगभग 40 प्लस हो रहा होगा धीरे धीरे, राइट। तो इस तरह से अगर एज लॉस हो रही है, भाई एज भी लॉस हो रही है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपकी उसी समय अगर जॉब लग गई होती तो 2 महीने से आप जीवन यापन भी बहुत अच्छे से कर रहे होते। तो मतलब कई सारी लाइफ में चीज़ें रहती हैं जो मैटर करती हैं, जो अफेक्ट करती हैं हमारी पर्सनल लाइफ को और हमारे फैमिली बैकग्राउंड को। तो बहुत सारे बच्चे उत्तर प्रदेश में जो नौकरी पाना चाहते हैं, जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, राइट, उन्होंने उन्होंने इस बार, और उनके घर वालों ने, या कह सकते हैं जनता का जो गुस्सा था वो रोजगार पर फूटा। और सरकार सरकार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा सीटें गवर्नमेंट जीत जाती तो कुछ और होता, होती तब भी एग्जाम तब भी होते, लेकिन अभी सरकार थोड़ा मतलब कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन में या रोष में है, राइट। उसको एग्जाम कराने किसी भी हालत में कोई बच्चा या कोई भी पार्टी ये ना कह पाए कि अभी तो आपने 2 साल के एग्जाम नहीं कराए। इस तरह से काम चल रहा है, इस फ्रस्ट्रेशन में काम चल रहा है कि फटाफट एग्जाम पहले वो कराए जाएं जो नहीं हुए हैं। तो बच्चों, मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ, बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ। आप ये मान लीजिए कि जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट आ सकती है। डेट मान लीजिए डिक्लेयर वो पहले भी कर दें, लेकिन जो एग्जाम का प्रोसेस है, नया आयोग बना है, कई सारी चीज़ें नए सिरे से होनी है। हाँ, जिन्होंने 2022 में फॉर्म भरा था वो उसी पैटर्न पर एग्जाम होगा, बट कई नई चीज़ें होनी है, नए हिसाब से होनी है, आयोग नया बना है, अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो आप ये मान लीजिए ये एग्जाम आपका सेप्टेम्बर लास्ट या अक्टूबर में जाने के चांसेस है मेरे हिसाब से, राइट। तो देखिए, अभी भी अगर देखा जाए 2 से 3 महीने प्रॉपर हैं आपके पास, जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं उनका आप सभी लोग फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। पहली बात है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, राइट, जो भी क्लासेस चल रही हैं जुड़िए, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, राइट। क्योंकि काफी काफी मैं बता दूं, 4163 जो पोस्ट है ये तो फिल होनी है, इसके अलावा न्यू वैकेंसीज भी आने वाली हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर न्यू वैकेंसीज भी आने वाली हैं, और सुपर टेट में भी कई सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जैसा कि पहले ही मैंने बताया और फिर मैं बता रहा हूँ, चाहे प्राइमरी हो, राइट, चाहे प्राइमरी हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो माध्यमिक हो, हर लेवल पे इस समय भर्ती की जानी है, हर लेवल पे इस समय अच्छे से वैकेंसीज आने वाली हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल भी इससे परेशान मत होइए। जिसका आप लोग रास्ता देख रहे थे ना, जिस जिस घड़ी का आपको इंतजार था, वो सब आपके साथ होने वाला है, राइट। खूब वैकेंसीज आने वाली, तो आप लोग कुछ ना करिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये करिए कि अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। कई बच्चे बार बार मैसेज करते हैं कि सर प्लीज़ सर क्या होगा बता दीजिए, कैसे होगा। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी कई सारे कोर्सेज भी टेक्स्ट बुक पर चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो DSSSB का हो, चाहे वो DRUP को लेकर हो, किसी भी एग्जाम को आप ज्वाइन कर सकते हैं बेहतर डिस्काउंट के साथ। कोड आपको UDAY उदय ही लगाना है, राइट। तो फिर मैं बता रहा हूँ, इस बार कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है, किसी भी तरह का कोई मतलब कह सकते हैं चुनावी जुमला जिसे लोग बोलते हैं वो भी नहीं है, एग्जाम हो के रहेगा, ठीक है। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।